मैं एक सर। सेकंड की हाँ, टिप्पणी, जीडीपी, आप सचिन गिनो आई नीड जीडीपी का आंकड़ा इंटरफेरेंस। आया है, जीडीपी देखिए इकोनॉमी का जनाब, आंकड़ा है, फिर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो फिर कहेंगे ये जीडीपी सर, से, जीडीपी का मतलब ये नहीं कि देश के युवाओं के लिए रोजगार कितना हो रहा है, लोगों की सेविंग कितनी हो रही है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। और पर कैपिटा इनकम उसमें आप उसमें काउंट कीजिए, आप ट्रिपल पी से जीडीपी काउंट भी नहीं होता रोजगार में काउंट, स्टार्टअप जनाब। ठीक है धनंजय, धनंजय फिर उसके बाद अंजलि मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां से एक भी कमेंट नहीं हुआ है, कुछ और जो प्रॉब्लम थी। ठीक है धनंजय जी काउंटर। सचिन जी, राजनीति की रेस से कांग्रेस का बाहर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कांग्रेस के भी नहीं बात कर रहे, ये तो और भी अच्छा नहीं। 2013 में 16,65,297 करोड़ का बजट पेश हुआ था, 2023 में 45,03,097 करोड़ का बजट पेश हुआ। जब सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था, मनमोहन सिंह आदरणीय वित्त के जानकार की सरकार गई तो 10वीं अर्थव्यवस्था था, 5वीं हम 3री पर ले जा रहे हैं। जीडीपी का जिस तरह से लगातार विकास हुआ है, 11 करोड़ किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ गरीबों को घर, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये तमाम चीजें, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस, 23 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य हेल्प कार्ड वितरित किए गए, इस सारे विकास की गाथा जो इस देश की जनता देख रही है वो मुनाफिक बातों से नहीं तैयार हो रही है। वो जिनको आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हो नहीं सुनने को तैयार है। जनता जानती है अब तो सुन लिया सर, जिसने सुनना था देशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अब तो दबा दिया आस्था। और हर विद्यार्थी को सचिन, हर विद्यार्थी को पता होता है कि उसने जो परीक्षा का पेपर दिया है उसको कितने नंबर आने, और इंडिया अलायंस को भी पता है, इसीलिए कोई टेलीविजन पर आने को तैयार नहीं है। आदरणीय खड़गे जी जब बोल रहे थे तो उनके पीछे जो परम आदरणीय खड़े थे वो दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा कोर्ट में उन्होंने ही मांगा है, और कोर्ट ने उन्हें कहा है कि 2 जून की रोटी तिहाड़ में खानी है। तो इस देश की जनता ये सब भी देख रही है कि जो घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरों में जो कांग्रेस ने पहले बंटवारे की राजनीति की, बाद में बटखरा लेकर आ गई कि ये 5 किलो दे रहे हम 10 किलो ठीक, देंगे। ठीक, अब तो हो गया हो गया, फिर हम वर्बल उसमें वर्बल नहीं नहीं वर्बल स्पैट में हम नहीं जाते, लेकिन आलोक जी एक नंबर कांग्रेस दे के ये चली गई। कैसा है कि जब आएगा एग्जिट पोल मैं तो उस पर बिलीव नहीं करूंगी, ना अपना फिर भेजूंगी प्रवक्ता। एक बार पहले भी आपने ऐसा किया था, कई शोज थे, मेरा भी एक शो था, उसमें भी प्रवक्ता नहीं भेजने का और तमाम चीज़ें ये सब हुआ था, बाद में वो चीज़ें ठीक हो गई थी। मतलब आप लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व में फुल फ्लैश तरीके से खुद को इन्वॉल्व करते हैं, लास्ट होते होते आपको लगता है या रिपोर्ट्स आपकी कुछ कहती है, अभी तो हमारे पास डाटा नहीं है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया कि क्या नाचना जाने आंगन टेढ़ा टाइप कुछ ऐसा होने जा रहा है? मतलब ना मैं भेजूंगा, ना कोई जवाबदेही होगी, ना मेरा प्रवक्ता आएगा, और जो ईवीएम और ये जो एग्जिट पोल है उस पर मैं बिलीव ही नहीं करता। आलोक सर देखिए, सचिन जी हम अभी अपने साथ कोई राजनेता है आपस में, वो लोग जो भी विवाद करें हम सबका सम्मान के साथ, मैं उनसे बहस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए खाली आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि इसलिए क्योंकि उनके पास भी सर्वे की बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, एक दो हमारे मित्र भी हैं जो उनके लिए पहले भी करते थे, जो उनकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी का भाषण तक वही लिखते हैं, तो इस तरह के लोगों के सर्वे अब उनके पास। जयराम रमेश जी ने आज तक पंचायत का चुनाव लड़ा नहीं, वेणुगोपाल जी वहाँ केरल से हैं, उनको यदि आप पूछ लें कि विदिशा का रास्ता किधर से है तो उनको मालूम नहीं। ऐसी स्थिति में संगठन से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, क्योंकि मैं उन सबको जानता हूँ इंदिरा गांधी के ज़माने से जो उनके थे, आनंद शर्मा जब यूथ कांग्रेस में थे तब से जानता हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि उन जमीन से कटे होने के बाद और एक अहंकार हो, हम कहें भाई देखिए हम दुनिया के सबसे बड़े अखबार सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं, अब कहें गलत से भी रख सकते हैं, सपना तो सभी देखते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा कारण यही है कि जिसकी वजह से उनको उनके पास भी रिपोर्ट है कि हम हो सकता है, ये भी रिपोर्ट हो सकती है कि हमें सत्ता में ही आ रहे हैं, मैं ये भी उससे इनकार नहीं बिल्कुल, करता बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सही है, इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश जी ने तो कहा 80 सीटें आ रही है, एक सीट भी पहले तो दे रहे थे बाद में कहा 80 आ रही है। अखिलेश जी को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बीजेपी भी कर रही है सर बात। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अपना सोचे, हम भी निष्कर्ष अभी नहीं मान रहे, 4 तारीख को मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा अहंकार कांग्रेस का जो रहा है उसी वजह से उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ा और जनता भी उनको धीरे धीरे छोड़ती जा रही है। ठीक है अरविंद सर, चूंकि आपने इससे पहले भी कई चुनाव देखे होंगे,
इस बार का चुनाव बाकी सभी चुनावों से कितना अलग है, किन मायनों में अलग है? क्या इससे पहले अच्छा कभी हुआ है कि किसी भी दल की ओर से इतना बड़ा दावा किया गया हो, 543 सीटें और 400 पार का दावा? और इससे पहले ऐसा कब हुआ था सर कि किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरा समूचा विपक्ष है वो इस तरह से एकजुट हुआ? देखिए, चुनाव तो शुरू हुआ है मोदी की गारंटी से, कि मोदी जो बोलते हैं वो गारंटी की गारंटी है, और फिर उसके बेसिस पे 400 सीटें जीतने का दावा शुरू। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन ने शेप लेना शुरू किया, एनडीए बनाने की कवायद शुरू हो गई, छोटी छोटी पार्टियों से लेके तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, इवन बीजेडी से भी अलायंस की कोशिश की गई, हुआ नहीं, तो वो एक कोशिश हुई। लेकिन जैसे चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव एकदम लोकल इश्यूज पे आ गया है, और ये बदलाव सिर्फ हमारे आपके देखने का नहीं है। अगर उसी प्रधानमंत्री का जिसके नाम पे ये शुरू हुआ है, उनके हाव भाव देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, तो लगता है कि चुनाव बदला है। लेकिन तब भी ये फैक्ट है कि सबसे बड़ी ताकत अभी भी नरेंद्र मोदी की रही सारे चुनावों में, सबसे बढ़िया संगठन बीजेपी का रहा, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट उनका रहा। लेकिन इश्यूज अगर बदले हैं और चुनाव नीचे आया है जमीन के लेवल पे, और डाइवर्सिफाई करना पड़ा देश के हिसाब से, तो वो एक स्पेशल चीज़ है कि हर राज्य के लिए, हर इलाके के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ी। अब बीजेपी कुशल है मैनेजमेंट से, तो बीजेपी ने उसको भी मैनेज किया अच्छे से। तो अब और दूसरा एक लाभ बीजेपी को ये है कि पिछली दफ़े का गैप इतना ज़्यादा है विपक्ष और उसके बीच, कि उसको भरना एक बड़ा काम है। तो दो चीज़ें बीजेपी के हक में रहीं, एक तो ये गैप और दूसरा मैनेजमेंट। बिल्कुल, विपक्ष के लिए ये है कि लोकल इश्यूज उठाना और डाइवर्सिटी। लेकिन राकेश भाई एक चीज और है जो अरविंद सर कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये कि जैसे सनी ने भी कहा, तमाम चीजें थी कि एक इतना आसान तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव था। मेरे ख्याल से शायद पिछली बार से भी ज्यादा आसान इतना नहीं था। तभी लिए एक आंकड़ा जो है कोर्ट पीएम ने किया, वो नैरेटिव उसके बाद जो भी सेट हुआ, विपक्ष शायद उस पेच में फंस गया 400 के। उसको दूसरे दौर, तीसरे दौर में समझ आया कि एक तो फटीग है, हम अगर ढंग से चुनाव और प्लान किए होते पहले और मीटिंग किए होते या कुछ कर लिए होते, ये तो बहुत अलग तरीके का चुनाव हो सकता था। यानी एक बेहतर और बड़ा जो है कंपटीशन विपक्ष दे सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने दिया नहीं, मतलब शायद उसको ये जिसे कहते हैं सोचने में या समझने में दूसरे राउंड के पार देर होगी, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ 400 पार में उलझा था। राकेश सचिन, सही कहा आपने, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो 400 का नैरेटिव उन्होंने रखा, उसी में कहीं ना कहीं जो विपक्ष उलझ गई। और जिस तरह से आपने देखा कि राज्यसभा में राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देखिए 400 की बात उन्होंने कर दी, उसके बाद सभी जगह रैलियों में भी कई विपक्ष के नेता 400 पर। लेकिन जब विपक्ष को समझ में आया, खासतौर पे दूसरे